हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। तो आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सीवरेज प्लांट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मनाली में। सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी ने कहां पर हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया है? तो ये आएगा हमारा दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वो आएगा रेणुका सिंह ठाकुर जी, जो हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं। फोर्थ क्वेश्चन, असम अरुणाचल के बीच सीमा विवाद कब सुलझा? तो ये आएगा हमारा 20 अप्रैल। और ये जो सीमा विवाद है, ये किस किस की मौजूदगी में सुलझा? तो ये आएगा असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में सुलझा है। और इससे पहले असम और मेघालय के बीच 50 साल से चला आ रहा सीमा विवाद भी सुलझ गया है, जो पिछले साल मार्च 2022 में सुलझा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थ डे जो अभी 22 अप्रैल को मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की? तो वो आएगा हमारा तेलंगाना। सेवेंथ क्वेश्चन है, कौन सा शहर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस का मेजबान रहेगा? तो वो है न्यू दिल्ली। एट क्वेश्चन है, वर्जीनिया नॉर्वुड जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वो आएगा हमारा एरोस्पेस। और इनकी जो आयु थी वो 96 थी और इन्होंने स्कैनर का भी आविष्कार किया था। थैंक यू।